हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंडिकेटर्स एंड टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं विद एग्जांपल आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात कि हम इंडिकेटर्स को समझने से पहले एक बार ये समझ लेते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और उनके क्लासिफिकेशंस हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से पता होगा कि एसिड का जो टेस्ट होता है वो सौर होता है और बेस का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इंडिकेटर्स को क्यों पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर में, इंडिकेटर्स का क्या यूज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो उसको बात करने से पहले हम हमारा टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टू पॉसिबल टेस्ट टू आइडेंटिफाई एन एसिड और अ बेस। यानी कि अगर हम बात करें एसिड और बेस की तो हमको सिर्फ इतना पता है कि एसिड टेस्ट में सौर होते हैं और बेसिस टेस्ट में बिटर होते हैं। अब अगर हम उसको टेस्ट करेंगे कि जो हमारे पास है वो एसिड है या फिर वो बेस है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही वे है, वो क्या है कि हम उसको टेस्ट करके बता सकते हैं। लेकिन अब हम हर चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि एसिड हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, बेसिस भी हो सकते हैं, तो हम सभी चीज़ों को टेस्ट नहीं कर सकते हैं ना। तो दूसरा भी कोई वे होगा जिससे हम ये पता लगा सकें कि वो एसिड है या फिर बेस है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर दे रखें टू पॉसिबल फिजिकल टेस्ट, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट जो वे है वो है टेस्ट। अगर हम पहला हमारे पास तरीका है कि हम एसिड और बेस का टेस्ट, अगर हमको उनका टेस्ट पता लग जाए कि इनका टेस्ट कैसा है तो हम उनको बता सकते हैं, क्योंकि हमको अच्छे से पता है कि एसिड का टेस्ट सौर होता है और बेसिस का टेस्ट बिटर होता है। तो फर्स्ट तरीका तो हमारे पास ये है कि हमको उनका टेस्ट पता लग जाए तो हम बता सकते हैं वो एसिड है या फिर वो बेस है। लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम हर चीज़ का टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो दूसरा क्या तरीका होगा जिससे हमें पता लग सके कि जो हमारे पास है वो एसिड है या फिर वो बेस है। तो देखिए उसके लिए हमें इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ती है, इफ़ेक्ट ऑन इंडिकेटर बाय एसिड एंड बेसिस। तो जो दूसरा तरीका है वो ये है कि हम इंडिकेटर की हेल्प से पता कर सकते हैं कि वो एसिड है या फिर वो बेस है। क्योंकि टेस्ट की बात करें तो हम हर चीज़ का टेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंडिकेटर एक ऐसी चीज़ है जिसकी हेल्प से हम विदाउट उसको टेस्ट किए, हम बिना उसका टेस्ट किए बता सकते हैं कि वो एसिड है और बेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं विद एग्जांपल। तो देखिए हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं। तो देखिए इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स एक डाई होती है जो कि जिसको हम अगर एसिड में डालेंगे और अगर हम बेस में डालेंगे तो वो अपना कलर चेंज कर लेगी। तो वो जब अपना कलर चेंज कर लेते हैं तो उससे हमें ये पता लग जाता है कि वो एसिड है या फिर वो बेस है, ठीक है। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर क्या है, वो एक डाई है जो कि अगर हम उसको एसिड में डालेंगे या फिर हम उसको बेस में डालेंगे तो वो अपना कलर चेंज कर देगी, और उसके कलर चेंज कर देने की वजह से हमको ये आइडिया लग जाता है, हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो एसिड है और बेस है, दोनों में से क्या है ये कन्फर्म हो जाता है। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर को। यहाँ पर हम बिना टेस्ट किए सिर्फ कलर देख करके बता सकते हैं कि ये एसिड है या फिर ये बेस है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, एन इंडिकेटर इज़ अ डाई, इंडिकेटर एक डाई है दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज़ पुट इनटू एसिड और बेस। यानी इंडिकेटर एक डाई है जिसको अगर एसिड में डालते हैं या फिर उसको बेस में डालते हैं तो वो कलर चेंज कर लेता है। इट टेल्स अस वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इन एसिड इन एन एसिड और अ बेस बाय चेंज इन इट्स कलर। ये जो इंडिकेटर होते हैं ये हमें बताते हैं कि हम जिस सब्सटेंस का टेस्ट कर रहे हैं वो सब्सटेंस एसिड है या फिर वो सब्सटेंस बेस है। ये उसके कलर, ये जो कलर है इंडिकेटर का वो चेंज हो जाता है जब उसको एसिड और बेस में डाला जाता है। तो जिसकी हेल्प से हमें ये बता देते हैं ये कि जिस सब्सटेंस का हम टेस्ट कर रहे हैं वो सब्सटेंस एसिड है या फिर वो सब्सटेंस बेस है। तो देखिए द थ्री मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स आर लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थेलिन। थ्री मोस्ट कॉमन जो इंडिकेटर्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं वो क्या हैं, लिटमस है, मिथाइल ऑरेंज है एंड फिनोफ्थेलिन है। देखिए अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स की, यानी कि इंडिकेटर्स के टाइप्स क्या होते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि इंडिकेटर क्या होते हैं, तो इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर एक डाई है जिसको अगर एसिड में हम डालते हैं या फिर उसको हम बेस में डालते हैं तो वो अपना कलर को चेंज कर लेती है, और वो जब अपने कलर को चेंज कर लेती है तो हमें उसकी हेल्प से ये पता चल जाता है कि जिस सब्सटेंस का हम टेस्ट कर रहे हैं वो एसिड है या फिर वो सब्सटेंस बेस है।
ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड इज सिंथेटिक इंडिकेटर एंड थर्ड इज ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर. तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल कि नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं और ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं. तो देखिए, नेचुरल इंडिकेटर्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है नेचुरल, तो ये हमें नेचर से मिलेंगे. देखिए, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो नेचुरल इंडिकेटर की एग्जांपल की बात करें तो फर्स्ट इज लिटमस सॉल्यूशन, टर्मरिक सॉल्यूशन, रेड कैबेज जूस, बीटरूट जूस, चाइना रोज सॉल्यूशन. तो इनका हम देखते हैं कि इनका जो नेचर में जो कलर है वो कैसा होता है. तो लिटमस सॉल्यूशन की देखिए, सबसे पहली बात कि जो लिटमस है वो पेपर फॉर्म में भी होता है और सॉल्यूशन की फॉर्म में भी होता है. ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं लिटमस सॉल्यूशन की. तो लिटमस सॉल्यूशन जो नेचर में जो उसका कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है. लिटमस सॉल्यूशन का कलर नेचर में पर्पल कलर का होता है, लेकिन जब उसको हम एसिड में डालते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है. तो हमें पता लग जाता है कि वो एसिड है या फिर वो बेस है. ऐसे ही जब उसको बेस में डालते हैं तो वो ब्लू कलर का हो जाता है. पर्पल कलर का जो लिटमस है उसको एसिड में डालने पर रेड हो जाता है और बेस में डालने पर ब्लू हो जाता है. टर्मरिक सॉल्यूशन की बात करें तो उसका जो नेचर में जो कलर है वो येलो कलर का होता है. ठीक है, उसका खुद का कलर कैसा होता है? येलो होता है. लेकिन एसिड में बात करें तो एसिड में उसके जो कलर है उसमें क्या चेंजेस आते हैं? तो अगर एसिड होगा तो उसका कलर सेम येलो ही रहने वाला है. अगर उसको बेस में डालते हैं तो उसका कलर येलो से डीप रेड हो जाएगा. वहीं रेड कैबेज जूस की बात करें तो उसका भी नेचर में कलर पर्पल होता है और उसको जब हम एसिड में डालते हैं तो वो पिंक या फिर रेड कलर का हो जाता है और बेस में डालते हैं तो वो या फिर तो ग्रीन हो जाएगा या फिर येलो हो जाएगा. वैसे ही हम बीट रूट जूस की बात करें तो उसका भी जो अपना ओरिजिनल कलर है वो पर्पल होता है नेचर में उसका कलर, और उसको एसिड में डालते हैं तो भी वो पर्पल ही रहता है. अगर उसको बेस में डाला जाता है तो वो पर्पल से अपने कलर को चेंज करके येलो में कन्वर्ट हो जाता है. बात करें चाइना रोज सॉल्यूशन की तो चाइना रोज सॉल्यूशन का जो नेचर में कलर होता है वो रेड होता है और उसका जो एसिड में कलर, जो एसिड में उसका कलर चेंज होता है वो हो जाता है मजेंटा कलर और उसके बाद बेस में उसका कलर हो जाता है ग्रीन. तो ये हैं हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स और उनका कलर एसिड में क्या होता है और बेस में क्या होता है ये हमने इस टेबल की हेल्प से देख लिया है. अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लिटमस सॉल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई. जो अब यहाँ पर लिटमस सॉल्यूशन के बारे में दे रखा है कि जो लिटमस सॉल्यूशन है वो पर्पल कलर का डाई होता है विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचिन. लिचिन एक प्लांट है जिससे जो लिटमस सॉल्यूशन है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ठीक है, अब बात करें हम ब्लू लिटमस की. ब्लू लिटमस है हमारे पास और उसको अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो टर्न्स रेड हो जाएगा. और अगर हम सोचिए आप कि अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस को डालते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा. लेकिन अगर ब्लू लिटमस होगा तो वो टर्न्स रेड हो जाएगा. बेसिक सॉल्यूशन में अगर ब्लू लिटमस को डाला जाता है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन रेड लिटमस को अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो टर्न्स ब्लू यानी कि ब्लू हो जाएगा. ठीक है, तो ये थे हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स. अब हम डिस्कस करते हैं कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं. अब देखिए यहाँ पर सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं. तो सिंथेटिक इंडिकेटर का यहाँ पर एग्जांपल है फिनोफ्थेलीन और मिथाइल ऑरेंज. फिनोफ्थेलीन की बात करें तो ये जो इनका जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसमें फिनोफ्थेलीन कलरलेस होता है और अगर उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो भी वो कलरलेस ही रहता है, लेकिन अगर उसको बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वो पिंक कलर का हो जाता है. वहीं अगर हम बात करें मिथाइल ऑरेंज की तो उसका जो कलर होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसका वो ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन अगर उसको हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो रेड हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो येलो कलर का हो जाता है. अब देखिए, अब हम लास्ट जो हमारा थर्ड टाइप है उसको डिस्कस करते हैं कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं. तो देखिए, ऑल्फैक्टरी जो इंडिकेटर होते हैं इसमें क्या होगा, इसमें स्मेल यानी कि ऑडर चेंज होगी. ठीक है, तो जैसे हमारे पास है अनियन, तो अनियन की स्मेल आप सभी को पता है अनियन की स्मेल कैसी होती है. तो उसको अगर हम एसिड में डालते हैं तो एसिड में उसकी सेम ही स्मेल रहेगी, जो अनियन की ओरिजिनल स्मेल है वही रहेगी, जो उसकी अडर है वही रहेगी. लेकिन अगर बेस की बात करें तो उसकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाएगी, लूजेज इट्स स्मेल. वेनिला एक्सट्रैक्ट की बात करें तो उसकी एसिड में जो स्मेल रहेगी वो सेम रहेगी, लेकिन बेसिस में उसकी जो स्मेल होगी वो चेंज हो जाएगी. तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स के तीनों टाइप. फर्स्ट इज नेचुरल, सेकेंड इज सिंथेटिक एंड थर्ड इज ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर. तो हमने आज डिस्कस किया कि हम एसिड और बेस के दो फिजिकल टेस्ट कैसे कर सकते हैं. पहला हमने डिस्कस किया था कि हम उसको टेस्ट करके बता सकते हैं.
दूसरा हमने डिस्कस किया था कि हम इंडिकेटर की हेल्प से भी पता कर सकते हैं कि वो एसिड है या फिर वो बेस है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इंडिकेटर होते क्या हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इंडिकेटर के टाइप कौन कौन से होते हैं, फिर उसके टाइप्स को विद एग्जांपल हमने डिस्कस किया। होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।